Hello guys, welcome to International College of Technical Education from Rawalpindi. मैं हूं अनवार और मैं आज आपको Microsoft Excel में Review Tab का Lecture Number 2 deliver करूंगा. So, Review Tab में आज हम सीखेंगे कि Lecture Number 2 में कौन-कौन सी commands जो हैं वो किस तरह काम करती हैं. अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं Review Tab और Review Tab में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन तक एंड आगे हमारे पास कमेंट है. ठीक है, देखिए कमेंट पे कुछ यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं. अच्छा जी, अब कमेंट एक्सेल की शीट पे कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मार्क शीट है और ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं. टोटल मार्क के ऊपर हम कमेंट करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो नेम है, टोटल मार्क्स है 153, जो कि ये बहुत ही कम है. क्या करेंगे, इस पर कमेंट कर देते हैं. ये सेल सेलेक्ट करेंगे और न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे. तो इस तरह से एक बॉक्स आएगा आपके सामने, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. जैसे मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे पुअर. वेरी पुअर लिख दिया और बाहर क्लिक कर दिया. फिर यहाँ पे हमारे पास है मार्क्स 408 और 425, यहाँ पे कमेंट कर लेंगे. कुछ भी आप लिख सकते हो. एग्जाम्पल के लिए मैंने ये किया. ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेल की शीट में कमेंट कर सकते हो. यहाँ पे चूंकि शो ऑल हुआ हुआ है, तो इस वजह से ये कमेंट्स आपको बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं. तो इस तरह करके आप इनको हाइड भी कर सकते हो. ठीक है, शो करवाने के लिए आपने एक तो आप इस तरह से शो करवा सकते हो कि ये देखिए जो रेड निशान है, इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है. तो आप माउस वहाँ पे लेके जाएंगे, कमेंट खुद ब खुद शो हो जाएगा, जैसे ये है. ठीक है, एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कमेंट होंगे एक्सेल की शीट में वो बाहर निकल के शो हो के स्टेबल रहेंगे. फिर आप क्लिक भी करेंगे तो ये हाइड नहीं होंगे. ठीक है, हाइड करना चाहते हैं तो अगेन शो ऑल पॉइंट पे क्लिक कर देंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट. यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कमेंट तक पहुँच सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जो इससे नेक्स्ट कमेंट था वो खुद ब खुद शो हो गया. प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस कमेंट शो हो जाएगा. तो इस तरह से आपने एक्सेल की शीट में कमेंट ऐड करने हैं और शो भी करवा सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है जी प्रोटेक्ट द शीट. अपनी शीट को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो और पासवर्ड कैसे लगा सकते हो. यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है हाइड हुए हुए, पता नहीं क्यों, इनको चेक कर लेंगे. अब सब वापस आ गए हो. ओके, वेलकम बैक. ठीक है जी, प्रोटेक्ट शीट में ये हमारे पास ऐसे हिडन क्यों है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं. या हम क्या करते हैं, एक न्यू शीट क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है,
यहाँ पे हम जो शीट मैंने बनाई लेकिन इसके बावजूद ये कमांड्स हमारी यहाँ पे अप्लाई करने के काबिल नहीं बन रही। ओके हम एक्सेल को रीस्टार्ट करेंगे अभी के। मैंने किया क्रॉस डॉट सेव। ठीक है अभी ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एक कॉपी शुदा डाटा। ठीक है अब ये हमारी है शीट है, इसको हम पासवर्ड लगाएंगे। सिंपली आप क्लिक कर देंगे इसके ऊपर और पासवर्ड अप्लाई करेंगे। मैंने लगाया 123। ओके किया 123 लगा के कंफर्म कर दिया एंड ओके कर दिया। अभी ये जो शीट है इस पे किसी किस्म का कोई वर्क नहीं हो सकता, ना ही यहाँ से कुछ डिलीट किया जा सकता है। ठीक है जब तक कि इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो शीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ऐड भी कर सकते हैं और सारी चीजें डिलीट भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें।